नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VM क्लासेस में। साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो उन सभी दिव्यांग भाई और बहनों के लिए होने वाला है जो तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात प्रथम लेवल थर्ड ग्रेड टीचर मास्टर बनना चाहते हैं उनके लिए। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए, है ना, ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे क्या होता है। जो तैयारी कर रहे हैं पीछे हैं, अभी इसकी योग्यता उनके पास नहीं है, फिर भी उनको भी ये देखना चाहिए क्योंकि कैसे क्या निकलता है, क्योंकि आगे उनके भी काम आ सकता है। और जो दिव्यांग भाई विकलांग है उनको तो ये वीडियो देखना ही चाहिए कि उनकी कितनी सीटें हैं, अर्थात दिव्यांग भाई जो तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, पहली प्रथम कक्षा से लेकर यानी कक्षा एक से लेकर पाँच तक के मास्टर बनना चाहते हैं, उनकी कितनी सीटें हैं, है ना। जितने मास्टर लेने हैं उसमें से विकलांगों को कितने विकलांग लोगों को सरकार जो है मास्टर बनाएगी, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दिव्यांगों के लिए कुल आरक्षित सीटें केवल और केवल तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बाकी किसी की बात नहीं करूँगा। कितना होगा विकलांगों का कॉम्पिटिशन, तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और एक छोटी छोटी चीज़ को अच्छी तरह से समझाऊंगा, है ना, अच्छी फैशन से एटीट्यूड से नहीं बोलूंगा, बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने वाला। साथियों, तृतीय श्रेणी अध्यापक थर्ड ग्रेड मास्टर पहली से पाँचवीं तक बनता है ना, पहली से पाँचवीं तक के बच्चों को पढ़ाता है, और उसके लिए उसको थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम का जो होगा अभी फरवरी में फिलहाल, है ना, वो उसे पास करना होगा, फिर वो थर्ड ग्रेड टीचर बनेगा, उसे नौकरी दी जाएगी, है ना। इसके लिए आप BST से होने जरूरी है, केवल और केवल लेवल प्रथम की बात कर रहा हूँ मैं, केवल और केवल थर्ड ग्रेड लेवल प्रथम पहले से लगाकर पाँचवीं तक के बच्चों को। अब सरकार को कितने मास्टर लेने हैं राजस्थान में, कितने मास्टर बनाने हैं, कितने मास्टर की आवश्यकता है, आपको ये बता दे तो राजस्थान में फिलहाल तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम की कुल सीटें हैं, सारी की सारी बता रहा हूँ पहले, 21,000 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 21,000 लेवल प्रथम के मास्टर बनाने हैं, अर्थात पहली से लगाकर पाँचवीं तक को पढ़ाने के लिए उनको 21,000 बच्चे 21,000 मास्टर चाहिए, ठीक है। अब उसमें से किसको कितने लेने हैं, अलग अलग को अलग अलग लेंगे। हम बात करेंगे दिव्यांगों की, विकलांगों की, फिजिकल हैंडीकैप्टों की, उनको कितना लेंगे। देखिए, कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें 4% आरक्षण, टोटल विकलांगों की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, 4% सीटें उनके लिए रह जाती है। अब यहाँ हम उस 4% में एक एक कैटेगरी को 1% का आरक्षण दिया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाली कैटेगरी है LD कैटेगरी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी। विकलांगों की अगर बात करें तो LD कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फिलहाल भीड़ है। अब हम बात कर लेते हैं कि पहले LD वाले को बात कर ले कि पहले तो हम चलो छोड़ो ऐसे नहीं समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि कुल विकलांगों की कितनी सीटें हैं लेवल प्रथम की 21,000 में से, तो 4% आरक्षण है दिव्यांगों को, तो 21,000 का 4% निकालते हैं, अगर हम 4% निकालते हैं तो कितने होते हैं 200, तो इसके लिए जो 4% आरक्षण निकलता है, अर्थात 21,000 में से 840 सीटें टोटल विकलांगों के लिए रिजर्व है, अर्थात वो 840 जो सीटें हैं लेवल प्रथम में 21,000 में से 840 मास्टर जो है वो विकलांग बनेंगे, समझ गए ना। टोटल आँखों से, कानों से, MD, LD सारे टोटल जितने भी विकलांग हैं, है ना, उनके लिए जो सीटें हैं वो है 840। 21,000 में से 840 मास्टर जो होंगे वो विकलांग होंगे, है ना, इतने उनको बनाने हैं। अब बात कर लेते हैं कि LD की कितनी है, तो 21,000 का 1% अगर हम निकालते हैं तो 210 सीटें LD कैटेगरी के लिए। LD कैटेगरी जो पैरों से चल नहीं सकते, 21,000 में से 210 मास्टर ऐसे लेंगे सरकार जो पैरों से चल नहीं सकते, अर्थात पैरों से दिव्यांग,
ठीक है ना, यह बात समझ में आ चुकी है। 210 210 सीटें 21,000 में से एलडी कैटेगरी के लिए, फिर 210 एमडी के लिए, फिर 210 एचआई के लिए, और फिर 210 बीएल और एलवी के लिए, यानी कानों वालों के लिए 210, आँखों वालों के लिए 210, और जो दोनों तरफ से ज़्यादा विकलांग है उनको 210, और जो पैरों से चल नहीं सकते उनको 210, ठीक है ना। तो राजस्थान में 21,000 में से लेवल प्रथम के लगभग 840 मास्टर बनेंगे जो विकलांग होंगे, उसमें से 210 ऐसे मास्टर होंगे जो आँखों से प्रॉब्लम होंगी, 210 ऐसे मास्टर होंगे जो मतलब ज़्यादा विकलांग होंगे, 210 ऐसे होंगे जो सुन नहीं सकते, 210 ऐसे होंगे जो पैरों से चल नहीं सकते। तो कुल मिलाकर हम एलडी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले लोग मिलते हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसमें है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। तो 210 सीटें हैं 21,000 में से एलडी कैटेगरी विकलांगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 210 में से हमारे ऊपर कितने हैं, 1,000, 2,000, 7,000, 10,000, 15,000 भी हैंडीकैप हो सकते हैं जो एलडी कैटेगरी से आते हैं। अब उसको उन 210 के अंदर ही उनकी गिनती आनी चाहिए। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज उनको नहीं बांटेंगे, वहाँ मेरे हिसाब से तो लेवल प्रथम में 21,000 सीटें हैं, 4% आरक्षण है, 8,440 है, फिर 1% है उसमें, चार भागों में बटेगा 840, तो 210 एक कैटेगरी को आ रही है। तो 210 सीटें हैं लेवल प्रथम एलडी कैटेगरी। टोटल अगर हैंडीकैप्टों की बात करें, टोटल दिव्यांगों की बात करें, तो 840 टोटल 21,000 में से सीटें हैं लेवल प्रथम थर्ड ग्रेड टीचर। तो ये केवल आप 210 माने अगर आप एलडी कैटेगरी से, तो अपनी कैटेगरी को देखिए, टोटल दिव्यांगों का आरक्षण नहीं देखिए कि कितनी है, 840 है वो मत देखो, अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीटें देखो। जैसे मैं एलडी कैटेगरी से हूँ तो लेवल प्रथम में मेरे जो है 210 सीटें हैं, मुझे इस तरह से तैयारी करनी है, मेरा यह टारगेट है 210 के अंदर अपनी गिनती आने को, ठीक है ना। तो अलग अलग से अलग अलग बात करेंगे, तब के लिए इस वीडियो में इतना ही बता दिया मैंने, ठीक है।